ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आपका। इधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत अपने आजादी का अमृत महोत्सव पूरी विविधता और दिव्यता के साथ मना रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है कि आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में सभी को नए भारत का दर्शन हो रहा है। आपको बता दें, अमृत कलश योजना के तहत बीजेपी शहीदों के घर जाकर वहां से मिट्टी लाकर उन्हें नमन कर रही है। इसे हर विकास खंड से ये कलश एकत्र होकर के लखनऊ और फिर दिल्ली के लिए जाएंगे। लखनऊ में आजादी का अमृत कलश की स्थापना हुई है, उस पवित्र कलश के स्थल पर ही प्रदेश का कलश स्थापित होगा। एक वाटिका इसकी वहां पे स्थापित हो रही है जो प्रदेश भर से कलेक्ट होगा, जिसमें लगभग 1500 स्थलों पर, जिसमें 825 विकास खंड हैं और 762 नगर निकायों से भी एक कलश वहां एकत्र होंगे, जो 75 शोभा यात्रा के माध्यम से लखनऊ पहुंचेंगे, फिर लखनऊ से एक स्पेशल ट्रेन के माध्यम से हर जनपद से दो दो कलश जाएंगे, हर नगर निकाय और विकास खंड से दो दो कलश जाएंगे। यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार विधानमंडल का विशेष सत्र बुलाएगी। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि सीएम योगी ने मानसून सत्र में ही $10 खरब की अर्थव्यवस्था के लिए विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी। इसका विपक्षी दलों ने समर्थन भी किया था। इसमें सरकार के मंत्री अपने विभाग के स्तर से इस दिशा में चल रही कवायद की जानकारी देंगे। वहीं सत्ता और विपक्ष के सदस्य अपने सुझाव देंगे। संसदीय कार्य विभाग के सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद विशेष सत्र की तारीख घोषित कर दी जाएगी। को $10 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए योगी सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने जा रही है। इसको लेकर संसदीय कार्य विभाग ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि उत्तर प्रदेश को हर पायदान पर बेहतर साबित किया जाए, चाहे वो रोजगार हो, कृषि हो, अलग अलग सेक्टरों में लगातार योगी सरकार काम कर रही है। यही वो वजह है कि अब योगी सरकार $10 खरब की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए अब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। शाहजहांपुर के एसएसपी कार्यालय में एक शख्स ने पेट्रोल छिड़ककर आत्महत्या की कोशिश की। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने पेट्रोल से भरे डिब्बे को छीनकर उसे बचाया। शख्स अपनी शिकायत पर कार्रवाई न होने से नाराज था और ऐसा कदम उठा रहा था। हालांकि पुलिस की सफाई है कि आरोपी के खिलाफ पहले ही एक्शन लिया जा चुका है। पूरा मामला थाना सदर बाजार के एसपी दफ्तर का है। फरियादी है विनोद कुमार, वो हमारे ऑफिस में आया और उसके द्वारा बताया गया है कि थाना बंडा पर मुकदमा अपराध संख्या 531/23 जो कि 16 जून को लिखा गया था, जिसमें जो विनोद कुमार है उनकी भाभी शीला देवी के द्वारा एक 304A का नाम बलदेव के खिलाफ नामजद मुकदमा लिखवाया गया था। तो उस मुकदमे में सारी कार्रवाई की जा चुकी है और जो बलदेव नामक अपराधी था उसके खिलाफ 304A में चार्जशीट भी आ चुकी है, उसमें कार्रवाई भी की जा चुकी है। चार्जशीट 26/8/2023 को उसमें प्रेषित की जा चुकी है। आगरा पुलिस ने ट्रेड साइट ओएलएक्स का इस्तेमाल कर लूट करने वाले दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये लोग ओएलएक्स पर विज्ञापन देने वालों को बुलाते थे और मोबाइल लूटकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने जाल बिछाकर इन लोगों को बुलाया और लूट की मंशा से आए लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। इन लुटेरों को शिकंजे में फंसाने के लिए पुलिस ने खुद ही विज्ञापन दिया और लुटेरे मोबाइल लूटने भी पहुंच गए। एक ऐप है जिसपे खरीदने बेचने का काम किया जाता है। ओएलएक्स ऐप पे अभियुक्त पक्ष ने एक आईडी बनाई और जिसके माध्यम से उन्होंने कंप्लेनेंट से संपर्क किया। आईडी में उन्होंने विज्ञापन दिया कि वो एक मोबाइल फोन खरीदना चाहते और उसके लिए वो पैसों का सौदा उन्होंने वादी पक्ष के साथ किया। न्यू आगरा थाने में सबसे पहले इन्होंने
कंप्लेनेंट को बुलाया कि हम आपसे एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं, पैसों की जब डील हुई तो न्यू आगरा में वो लोग आ गए। तो न्यू आगरा में पहुंचे कंप्लेनेंट तो यहाँ वहां ये लोग उनका फोन छीन के चले। जब मुरादाबाद में बच्चों की तस्करी करने वाले एक बड़े गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया, ये सभी बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसका सौदा कर देते थे। पुलिस ने चार महिलाओं समेत छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस गिरोह के लोग गांव-गांव घूमकर ऐसे कपल्स को तलाशते थे जिनके पहले से कई बच्चे हों और उनके घर एक और बच्चा होने वाला हो। ऐसे में ये गर्भवती महिला और उसके परिवार को लालच देकर बच्चे का सौदा कर लेते थे और महंगे दाम पर किसी निसंतान परिवार को बच्चा बेच दिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से एक नवजात भी बरामद किया है। इस बच्चे का गिरोह ने इस बच्चे की कीमत 2.5 लाख रुपए लगाई थी। और चलिए वक्त तो चला उत्तराखंड की खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। तो उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर डाल लेते हैं।